नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज, सच्चाई के साथ। 10 वर्षीय अथर्व की पेंटिंग देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान। सतपुली के रहने वाले अथर्व अभी 6th क्लास में पढ़ते हैं और उनका यह हुनर देख आप लोग भी दंग रह जाएंगे। मात्र पेंसिल द्वारा बनाए गए इस स्केच आपके सामने ऐसे लगेंगे जैसे कि यह रियल हो। अपने इस हुनर के कारण अथर्व माने जाते हैं अपने क्षेत्र अपने स्कूल में हीरो। हमारे संवाददाता मनीष खुकशाल द्वारा उनके द्वारा बनाई गई स्केचेज के बारे में बताया और उनसे बहुत सारी जानकारियां ले। की ओर से मनीष खुकशाल स्वतंत्र, और आज मैं पौड़ी जिले के एक छोटे से कस्बे में सतपुली में हूँ और जहाँ पर मेरे साथ हैं अथर्व माहेश्वरी जो कि एक बालक है। बेटा आपकी उम्र क्या होगी? 10 साल। 10 साल की उम्र है बालक की और इन्होंने बहुत अनोखे कारनामे किए हुए हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर मेरे सामने ये टेबल में है स्केचेस, और ये स्केचेस कोई मामूली स्केचेस नहीं है। ये 10 साल का बच्चा इस प्रकार के स्केचेस अगर बना रहा है तो वाकई इसके अंदर कुछ ना कुछ हुनर तो होगा। तो आइए हम जानते हैं अथर्व माहेश्वरी से। बेटा आप अपना पूरा परिचय देंगे जरा। मेरा नाम अथर्व माहेश्वरी है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ और बस आर्टिस्ट हूँ। अच्छा ठीक है, आपके मन में कब कैसा विचार आया कि आपने सोचा कि मैं इस तरीके से ये स्केचेस तैयार करूं? पहले तो मेरा कभी मन नहीं करता था इनको बनाने का। एक दिन ऐसे ही मन किया, मेरे पास कुछ कागज पड़े हुए थे तो मैंने एक बनाया, उसमें मजा आया तो मैंने एक ही दिन में कई सारे बनाए और फिर मजा आने लग गया, फिर और बनाने लग गए। तो सबसे पहले जो आपने पेंटिंग करी, किस चीज की पेंटिंग करी? सबसे पहले तो मैंने ये बनाया। अच्छा, ये स्केच बनाया। उससे पहले आपने, आप बता रहे थे कि आपने पेंटिंग्स भी बनाई हैं? नहीं, पहले तो मैंने ये बनाया। अच्छा, सबसे पहले आपने ये स्केच बनाया? ये वाला पहला ही, ये वाला दूसरा है। तो आप देखिए कि सबसे पहले ये कब बनाया था आपने? 2019। हाँ। कौन से मंथ में? नवंबर 2019 में अथर्व ने एक पेंटिंग बनाई और उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अब इस पेंटिंग को आगे करूं और अच्छी अच्छी पेंटिंग अपनी उतारूं। और उसके बाद जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग इन्होंने, और अभी जो लेटेस्ट जो पेंटिंग बनाई है इन्होंने, ये कब बनाई है? ये एक हफ्ते पुरानी पेंटिंग है। तो आप देख सकते हैं कितना अंतर है इन दोनों में, कि ये जो फर्स्ट 2019 और 2021 में, किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 2019 में एक अथर्व ने प्रयास किया था कि मैं एक पेंटिंग बनाऊं, उसके बाद 2021 में ये खूबसूरती से और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है उसी तरीके से। और मैं अथर्व थोड़ा जानना चाहूंगा कि मतलब ये पेंटिंग आप बनाते हैं, कितना समय आपको लग जाता है इसमें? इनको बनाने में 4-5 घंटे लगते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास, आपने, मैं जैसे देख रहा हूँ कि ये हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो उनका भी स्केच इन्होंने बनाया है। ये स्केच आपने कब बनाया? ये 20 में बनाया। देखिए कि बड़ी खूबसूरती से अपने प्रधानमंत्री का स्केच इन्होंने बनाया है, ये भी बड़ा खूबसूरत है स्केच। और इसको बनाने में आपको कितना समय लगा? दो घंटे। तो आप किस तरह से, जैसे कि पेपर देखते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से आप स्केच बनाते हैं या फोटो से आप स्केच बनाते हैं? फोटो से स्केच बनाता हूँ, पेपर में ध्यान नहीं देता। अच्छा, पेपर में ध्यान नहीं देते, या आदमी अगर आपके सामने है प्रेजेंट एट प्रेजेंट तो आप तब भी उसका स्केच बना सकते हैं? थोड़ा बहुत, ज्यादा भी उतने मेरे को प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ ऐसे बनाने का। अच्छा, अभी तक ऐसा कोई स्केच बनाया है कि कोई आपके सामने बैठा हुआ है लाइव और आपने उसका स्केच बनाया? अभी कुछ ऐसा नहीं है। तो आप देख रहे होंगे, इसके अलावा इन्होंने जो पेंटिंग बनाई एक मदर्स डे पे अपनी मम्मी को गिफ्ट दिया था, और ये देखिए बड़ा खूबसूरत ये स्केच बनाया। कब बनाया था ये? मदर्स डे के दिन। और मदर्स डे, उसके बाद फादर्स डे में भी इन्होंने एक स्केच बनाया था। मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह सुंदर से, ये देखिए किस तरह से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मदर्स डे थोड़ा पहले था, फादर्स डे उसके बाद था। तो देखिए दोनों स्केच में आपको अंतर दिखेगा कि किस तरह से खूबसूरती से इन्होंने इनको बनाया है। तो इसके पीछे जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सिक्स्थ क्लास में। तो इसमें पढ़ाई में आपका कुछ असर है कि इसके कारण आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती हो या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, दोनों को बराबर टाइम
दोनों को बराबर टाइम देते हैं। और आपके पेरेंट्स किस तरह से देखते हैं आपको कि आप ये स्केचेस बनाते हो, वो बोलते हैं कि भाई आप स्केचेस बना रहे हो, पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा या किसी तरह से इसमें आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो, स्केच पे ध्यान है आपका, या क्या व्यवहार है आपका? व्यवहार तो अच्छा है, जो मैं काम कर रहा हूँ उन्हें अच्छा लगता है। अच्छा, इसके लिए और वो आपको इंस्पायर करते हैं कि आप इसको आगे बढ़ाएं या फिर क्या है उनका सोचने का नजरिया? हाँ, आगे बढ़ाने का। आगे बढ़ाने का। अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं कि आप इसमें कहाँ तक आगे जाना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है? काफी आगे तक, जब बिल्कुल एग्जैक्ट ना बन जाए। जब तक एग्जैक्ट ना बन जाए। वैसे ही मैं आपको दिखा दूं कि बहुत सारी खूबसूरत इन्होंने बनाए हैं, ये आई जो आंख बनाई है ये शायद स्कूल में आपने बनाए? स्कूल में। ये स्कूल में बनाया है, वेरी गुड भी इनको मिला है। ये 10/4/21 में, और बहुत सुंदर मैं स्केच आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपका अभी वर्किंग पूरा कंप्लीट हो गया है ये। और इस तरह के से आप और भी बना रहे हैं अभी, तो ये देखिए बड़ा ही सुंदर स्केच ये बना हुआ है, बिल्कुल हूबहू किसका है ये? हल्क का। और आपने रेसलिंग में कई बार देखा होगा हल्क, तो बिल्कुल एज इट इज हमें लग रहा है कि ये स्केच इस तरह से बन रहा है। बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा प्रतिभा यहाँ पर एक छोटे से कस्बे में, शहर में हमको देखने को मिली है। तो आप कोई संदेश अपने दोस्तों के लिए या कुछ ना कुछ संदेश इस तरह से कि वो भी इंस्पायर हो आपसे? हाँ। क्या बोलना चाहेंगे? मतलब मेरे दोस्त भी कहते हैं कि कैसे बना लेता है, तो मैं बोलता हूँ बन जाता है, तो कहते हैं कि काश मैं बना पाऊँ, मुझे भी सिखा दे, वो बोलते हैं ऐसा। अच्छा, तो कभी प्रयास किया कि किसी को सिखाने का? हाँ। अच्छा, तो वो पापा को सिखाया, पापा ने सीखा बनाया पापा ने कुछ उसके? हाँ, बाद थोड़े बहुत बनाए थे पापा ने। अच्छा, पापा ने भी बनाए थे। तो देखिए आप, ये अथर्व 10 साल का मात्र ये लड़का 10 साल में ही इतना कुछ सीख गया कि जो कि एक 40-50 साल की उम्र वाले व्यक्ति भी इनसे पूछ रहे हैं कि हम इनसे सीखें। सब लोग इनसे सीखना चाहते हैं कि देखो ये किस तरह से ये सुंदर सुंदर स्केचेस बना रहे हैं, हम भी इस प्रकार के स्केच बनाएं। तो अथर्व आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे आप इसी तरह स्केचेस बनाते रहें, और हम भी दर्शकों को लगातार अथर्व से नए नए स्केचेस जब बनाएंगे तो हम उनसे आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। धन्यवाद।